हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हो चुकी 4 अप्रैल, तो 5 दिन ही बचे हैं अप्रैल 2021 की शुरुआत को। आज के 8 बड़े अपडेट्स मैं बताऊंगा, आज 4 अप्रैल के 8 बड़े अपडेट जो कि IPL 2021 से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली खबर जो आती है वो आती है रिंकू सिंह की तरफ से। दरअसल KKR के रिंकू सिंह कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं, इंजरी की वजह से ये बाहर हो चुके हैं। तो KKR के फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी है, इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली गई है। रिंकू सिंह की रिप्लेसमेंट पक्का हो गई है। तो रिंकू सिंह की रिप्लेसमेंट की तौर पर गुरकीरत सिंह मान को टीम में जगह मिल गई है। KKR की टीम में गुरकीरत सिंह मान को जगह मिल गई है, जो कि पहले RCB से खेलते थे। IPL 2021 की ऑक्शन के लिए इनको RCB ने रिलीज़ अपनी टीम से कर दिया था। अच्छे मिडिल ऑर्डर के ये बैट्समैन, स्पिन बॉलिंग भी करवा सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रिप्लेसमेंट जो गुरकीरत सिंह मान है रिंकू सिंह की, ये KKR के लिए अच्छी साबित हो सकती है या फिर नहीं। ये थी पहली सबसे बड़ी खबर जो कि KKR के फैंस के लिए है। नेक्स्ट जो दूसरी खबर आती है वो आती देवदत्त पाडिकल की तरफ से। दरअसल देवदत्त पाडिकल अक्षर पटेल और नितिश राणा के बाद तीसरे खिलाड़ी बन चुके जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले नितिश राणा और अक्षर पटेल निकले थे कोविड पॉजिटिव, और अब ये बुरी खबर एक भी हो सकती है, ये पहला मैच मिस कर सकते हैं। बाद में अगर नेगेटिव इनकी रिपोर्ट आती तो ये दूसरा मैच ज़रूर खेलेंगे। पहला मैच जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस RCB के बीच में होगा, उसको ये मिस कर सकते हैं 9 अप्रैल वाला मैच। तो काफ़ी बुरी खबर IPL के फैंस के लिए, 3 खिलाड़ी पहले से कोविड पॉजिटिव निकल चुके हैं IPL 2021 की शुरुआत से पहले ही। नेक्स्ट जो खबर आती है वो आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। प्लेऑफ्स की प्रेडिक्शन इन्होंने दे दी। IPL 2021 में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली है? MIDC, SRH और पंजाब किंग्स। ये 4 टीमें इनकी जो इनके अकॉर्डिंग ये 4 टीमें ही क्वालिफाई कर पाएंगी IPL 2021 में। आप कमेंट करके जरूर बताएं आकाश चोपड़ा की जी की स्टेटमेंट से आप कितना एग्री हो, ये 4 टीमें ही पहुंच पाएंगी या फिर आप कोई और टीमों को आपकी प्रेडिक्शन है क्या, आप भी कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आती वो आती अक्षर पटेल की तरफ से। दरअसल अक्षर पटेल जो कि कोविड पॉजिटिव निकली थी, इनकी रिपोर्ट अब ये खबर उड़ के आ रही है कि ये पहला मैच मिस करने वाले हैं जो कि होगा CSK वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स 10 अप्रैल को। दूसरा मैच IPL 2021 का भी मिस करने वाले हैं। अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती तो ये भी दूसरा मैच खेलेंगे अक्षर पटेल। ये काफ़ी बुरी खबर आ रही है, 3 जो प्लेयर पहले से ही कोविड पॉजिटिव निकल चुके हैं IPL 2021 की शुरुआत से ही पहले। तो वेन्यू हैदराबाद या फिर पुणे शिफ्ट हो सकता है मुंबई से, ताकि कोविड पॉजिटिव जो कोविड है वह सेफ रहे सभी खिलाड़ियों से। नेक्स्ट जो खबर आती है वो आती है नितिश राणा की तरफ से। KKR की तरफ से बहुत ही गुड न्यूज़, अच्छी खबर है। दरअसल जो नितिश राणा है कोविड पॉजिटिव निकलने के बाद अब ये कोविड नेगेटिव हो गए हैं, और इन्होंने KKR का प्रैक्टिस कैंप भी शुरू ज्वाइन कर लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। काफ़ी अच्छी खबर है, ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और विस्फोटक बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, मेन बल्लेबाज का रोल भी ये निभा सकते हैं, ओपनर या फिर 3rd नंबर पर आ सकते, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं नितिश राणा। ये काफ़ी अच्छी खबर है, इनका प्लेयर नेगेटिव हो चुका और इन्होंने कैंप ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन कर लिया नितिश राणा ने। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना फ़ायदा होने वाला अगर ये पहला मैच खेलते हैं। तो जो नेक्स्ट खबर आती वो आती क्रिस गेल की तरफ से और ग्लेन मैक्सवेल और निकोलस पूरन की तरफ से। दरअसल ये 3 खिलाड़ी अभी तक इंडिया नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला मैच मिस करेंगे। दरअसल अगर ये इंडिया आज पहुंचते, इनको 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होगा, इनका 7 दिन का, इनको 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो केवल 5 दिन ही बचे IPL 2021 की शुरुआत को। पंजाब किंग्स का अभी तो मैच नहीं है, और आप कमेंट करके जो बताए कौन सी टीम को ज़्यादा नुकसान होने वाला। दरअसल RCB का पहला मैच है, तो शायद ग्लेन मैक्सवेल RCB का पहला मैच ना खेल पाए जो कि मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला। केवल 4 दिन ही 5 दिन बचे हैं IPL 2021 की शुरुआत को, तो अभी तो पंजाब किंग्स के पास टाइम है। ये सभी 3 खिलाड़ी पहला मैच मिस कर सकते हैं, अगर ये आज आ जाते तो शायद ना कर पाए।
नेक्स्ट जो खबर आती वो आती है आईपीएल 2021 के पॉइंट्स टेबल की प्रेडिक्शन जो कि स्कॉट स्टाइरिस ने दे दिया। दरअसल ये प्रेडिक्शन इनकी ये रही, इनके मुताबिक पहली एमआई की टीम रहेगी और लास्ट में चेन्नई सुपर किंग्स की 8वें नंबर पर टीम रहेगी। तो इसका मतलब 8वें नंबर पर ये बार हो जाएगी सीएसके की टीम इस बार भी इनकी। और इन्होंने फ़नी रिप्लाई दिया, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कंट्रोल उदय कंट्रोल फ़नी रिप्लाई इनको दे दिया क्योंकि इनको 6वें नंबर पर रखा है स्कोर स्टाइरिस ने प्रिडिक्शन के मुताबिक आईपीएल 2021 में। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इनकी कितने प्रतिशत और कितनी परसेंट इनकी प्रिडिक्शन सही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आती जो आती है 8वीं खबर और सबसे बड़ी खबर, जोश हेजलवुड की रिप्लेसमेंट। दरअसल टीओआई के अकॉर्डिंग सीएसके ने एक बड़े खिलाड़ी को अप्रोच किया है जिसका नाम है बिली स्टैनलेक जो कि फास्ट बॉलर हैं। इनकी रिप्लेसमेंट की तौर पर उन्होंने ऑफ़र किया था लेकिन बिली स्टैनलेक ने ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया था। टीओआई के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि बिली स्टैनलेक नहीं खेलना चाहते सीएसके की तरफ से, आईपीएल 2021 नहीं खेलना चाहते और सीएसके एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हेजलवुड को डिक्लाइन कर दिया है बिली स्टैनलेक ने। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सीएसके की टीम को कौन सी बेहतर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, कौन सी रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए जोश हेजलवुड की तरफ से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।